अब तक हमने ड्रैगन बॉल जी में देखा है जहाँ पर मांजिन बू ने पिकलो और गोटंस को सोख लिया और बन गया सुपर बू। इन दोनों की ताकत मिलने की वजह से मांजिन बू जो है वो इतना ताकतवर बन गया कि वो गोहान के ऊपर भारी पड़ने लगा। जहाँ पर गोहान हमला करता है उसी हमले को वो गोहान की तरफ भी फेंक देता है। शरीर और मन मांजिन बू ने इन दोनों हमलों की बदौलत गोहान के आत्मविश्वास को पूरी तरह से छलनी कर दिया। जहाँ पर गोहान को ये बात पता थी कि उसके सिवा इस अर्थ को कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो सुपर सैयन की तरह हार नहीं मान रहा था। इतने ज्यादा चोटे खाने के बाद सबको पता चल गया था कि गोहान इसके सामने तो ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। इसी वजह से गोकू भी चाह रहा था कि उसकी कैसे तो करके मदद की जाए। जहाँ पर सुप्रीम काय की जगह पर ओल्ड काय अपनी जान दे देते हैं गोकू को जिंदा करने के लिए, और वो गोकू को अपने दोनों रिंग्स देते हैं जिसकी एक बाली इसको पहननी है और दूसरी बाली ऑफ कोर्स गोहान पहनेगा, तो इसी वजह से वो फ्यूज कर पाएगा। गोकू ये बात सुनकर खुश है, इधर सुप्रीम का हैरान है। और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। दोस्तों आपने अभी तक अगर पिछला वाला एपिसोड मिस कर दिया है जो कि आप पर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, और साथ ही साथ प्यारा सा एक कमेंट भी। इधर गोकू उन्हीं दो रिंग को निहार रहा है जो पूछ रहा है क्या वाकई में ये पॉसिबल है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ओल्ड काय कहते हैं बेकार के सवाल मत पूछो, मैं एक काय हूँ और बेशक मुझे इस पर यकीन है, ये उस टेक्निक से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है जो कि तुमने मेटामॉर्फिस से सीखा होगा। जहाँ सुप्रीम काय चौक उठते हैं और कहते हैं क्या ये मुझे क्यों नहीं पता चला। ओल्ड काय कहते हैं कि मांजिन बू जब दूसरी काइस को खत्म कर रहा था तब तुम्हारी ट्रेनिंग मिस हुई होगी। जहाँ सुप्रीम काय किबिटो को भी पूछता है, किबिटो भी मना करता है कि मुझे भी इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था। जहाँ ओल्ड काय कहते हैं इतना क्यों सोचना है, तुम्हारे पास ऑलरेडी काय रिंग्स है, उसको आजमा कर देख लो। तभी सुप्रीम काय कहते हैं किबिटो अपना लेफ्ट वाला इयर रिंग निकालो, मैं राइट वाला निकालता हूँ और देखते हैं। और ये दोनों ही खींचे चले जाते हैं इयर रिंग्स निकालने के बाद और सीधा ही चिपक कर फ्यूज हो जाते हैं। अब सुप्रीम काय ये बनकर बहुत ज्यादा खुश है और कह रहा है कि हम एक दूसरे में मिल गए हैं और ये कमाल हो गया। जहाँ गोकू भी हैरान है, जहाँ पर इतना खुश है सुप्रीम काय जो कह रहा है कि मैं अब गोकू के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हूँ, गोकू चलो चलते हैं। जहाँ ओल्ड काय कहते हैं जल्दबाजी मत करो, हालांकि तुम्हारी ताकत बढ़ चुकी है लेकिन मांजिन बू के सामने तुम्हारी ताकत कुछ नहीं है, वो तुम्हें आसानी से सोख लेगा, तुम यहीं पर रहोगे। गोकू कहता है हाँ, इस इयररिंग टेक्निक की ही तो जरूरत थी हमें, बट ये कितनी देर तक जुड़े रहेंगे ओल्ड काय। जहाँ पर ओल्ड काय कहते हैं कि ये हमेशा के लिए रहता है, कभी तुम अलग नहीं हो सकते। गोकू कहता है इसका मतलब मुझे तो सोच समझ कर चुनना होगा ना। ओल्ड काय कहते हैं हाँ, तुम सोच समझ कर चुनना, मुझे ये बात पता नहीं थी, नहीं तो मैं भी थोड़ा सा अलग होता। ये बात सुनकर सुप्रीम काय परेशान है क्योंकि वो फ्यूज हो चुके है, और गोकू पूछता है क्या आप भी फ्यूज हुए हो। ओल्ड काय कहता है हाँ। ओल्ड काय बताते हैं कि मैं दिखने में बहुत ज्यादा जवान था, खूबसूरत था, इतना भद्दा नहीं था, लेकिन एक दिन मैं बहकावे में आ गया एक चुड़ैल के। जहाँ पर एक चुड़ैल दिखाई जाती है जो कहती है कि मेरी खूबसूरती पे ये जचेगा, तो वो इयर रिंग निकाल लेती है और पहन लेती है और वो फ्यूज हो जाते हैं। अब ओल्ड काय कहते हैं उसके बाद ही मेरी शक्ल किस्मत जैसी बन गई है, पर अगर दूसरी तौर से देखे तो मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ मिल चुकी है उस चुड़ैल की वजह से जो तुम देख चुके हो। गोकू कहता है लगता है कोई तरीका नहीं है, अपने बेटे के साथ ही जुड़कर लगता है अजीब महसूस होगा, उम्मीद है चीची मुझे उसके साथ स्कूल न भेज दे। इधर अभी भी कंटिन्यू मारे जा रहा है मांजिन बू गोहान को, गोहान इधर अभी भी मार खा रहा है। क्या हुआ गोहान, डर लग रहा है। गोहान कहता है नहीं। ऊपर से मिस्टर सेटन और डेंडे देख रहे हैं, जहाँ डेंडे को पूछता है क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है। डेंडे कहता है नहीं, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। जहाँ डेंडे कहता है ओ नो, मुझे नहीं लगता अब गोहान ज्यादा देर टिक भी पाएगा। अब गोहान के ऊपर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, गोहान अपने चीख से एक गोला बना लेता है, जो ब्लास्ट उसको हिट करने वाला होता है वो रिवर्स में चला जाता है, लेकिन मांजिन बू वहाँ से भाग चुका है। जहाँ पर वो पीछे से आता है और गोहान के ऊपर एक बड़ा करता है। अब इस ब्लास्ट की वजह से गोहान नीचे गिर चुका है जो पहाड़ के अंदर से बाहर निकला हुआ है, इस वजह से उसको बहुत ज्यादा चोटें भी आई है। तभी इधर डेंडे भाग कर आता है और कहता है गोहान सब्र बनाए रखो, मैं तुम्हें अभी ठीक करता हूँ, और डेंडे उसे ठीक करता है। पीछे से मांजिन बू आता है और कहता है कि अब बहुत टाइम हो गया, मैं बोर हो रहा हूँ, चलो ये सब खत्म करते हैं।
तभी वो देखता है डेंडे को कि भाई आखिरकार ये क्या कर रहा है, और इधर गोहान ठीक हो चुका है। गोहान उठता है और कहता है शुक्रिया डेंडे, अब तुम छुप जाओ। डेंडे छुप जाता है। तभी मांजिनबू कहता है कि भाई गोहान तो पहले जैसा बन गया है, जहाँ पर वो खुद से ही सवाल पूछता है और कहता है कि किसी को इसके बारे में पता है। तभी उसे पता चलता है कि पिकलो को ये बात पता है। ओ हाँ, डेंडे की जादूगरी, तो उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अब वो एक बड़ा ब्लास्ट करता है जिसको गोहान इजीली अपने दोनों हाथों से रोक लेता है। तभी मांजिनबू कहता है अब उस छुटकू की बारी है, जहाँ पर वो डेंडे के ऊपर हमला कर देता है। तभी मिस्टर सेटन आता है और कहता है बस अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। वो कंटिन्यू उस ब्लास्ट के ऊपर गोलियां चलाता है, और जैसे ही ब्लास्ट हिट करने वाला होता है तो ब्लास्ट गायब होकर दूर जाकर फट जाता है। जहाँ पर मांजिनबू को कुछ नहीं समझ आता और मिस्टर सेटन कह रहा है कि देखा मेरा कमाल, मेरे निशाने कभी नहीं चूकते हैं। जहाँ पर गोहान भी कहता है वो क्या चीज थी भला। तभी हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल सा शेप है और उसके अंदर खड़ा है हमारा टियान। लो लौट आया है दोस्तों ये टियान। जहाँ टियान कहता है गोहान तुम तो नजर ही नहीं आ रहे, पता ही नहीं चल रहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो, बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो। गोहान भी खुश है टियान ये तुम हो। जहाँ टियान कहता है कि भाई मांजिनबू भी बदला हुआ नजर आ रहा है। तभी मांजिनबू कहता है वो छेद कहाँ है जिसमें से ये कीड़े निकल कर आ रहे हैं, लेकिन और ज्यादा मजा आएगा। और वो टियान की तरफ दो उंगली कर ब्लास्ट करने वाला है। अब ब्लास्ट होता है और टियान डॉच करता है, लेकिन ये ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब टियान बगल से निकलता है, ऊपर जाता है और सीधा अपना ट्रायंगल यूज करता है और ट्राई बीम कैनन फेंक देता है। अब टियान देखता है ब्लास्ट के बाद कि भाई मांजिनबू को तो कुछ हुआ ही नहीं, वो अभी भी वहीं पर खड़ा है। मांजिनबू कहता है तुम तो दूसरों से भी गए गुजरे निकले। टियान कहता है भाई ये कैसे पॉसिबल है, उसको तो खरोच तक नहीं आई है। जहाँ पर मांजिनबू अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ, और वो कहता है एनर्जी गोला बनाकर कि इस ब्लास्ट से मैं सबको तबाह कर सकता हूँ, तो कोई है जो इसको रोक सकता है। अब हमें दिखाया जाता है गोकू, जहाँ गोकू कह रहा है अरे रुको एक मिनट, क्या मैं सुपर सैयन बन जाऊँ, फिर जाता हूँ, फिर ज्यादा पावरफुल रहूंगा। तब बोलकर कहते हैं नहीं, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम फ्यूज हो गए तो फिर तुम सुपर सैयन ही बने रहोगे, और तुम्हें पता है कि सुपर सैयन बने नहीं रह सकते सैयंस, और ये तुम दोनों के लिए खतरनाक होगा, और तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक बार फ्यूज होने के बाद। गोकू कहता है अरे हाँ। बोलकर कहते हैं अगर तुम्हें सुपर सैयन बनना ही है तो फ्यूज होने के बाद बन सकते हो तुम, पर तुम मेरा यकीन मानो कि ऐसी नौबत आएगी नहीं। तभी सुप्रीम का चिल्लाते हैं कि पहले ये तो देख लो पृथ्वी पर क्या चल रहा है, बहसबाजी बंद करो, जल्दी जाओ। गोकू थैंक्स कहकर इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए चला जाता है। इधर ये सारे लोग देख रहे हैं जो हैरान भी है और परेशान भी। तभी मांजिनबू कहता है अगर तुम में से कोई नहीं रोक सकेगा तो तुम्हारी वजह से ही ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तभी वो ब्लास्ट फेंकने ही वाला होता है, तभी आ जाता है गोकू, जो कि अपनी डिस्क की बदौलत सीधा ही दो टुकड़ों में काट देता है मांजिनबू को। इन लोगों ने आंखें बंद की थी, एक एक करके ये खोलते हैं, जहाँ टियान भी देखकर हैरान है। तभी गोहान कहता है डैड आप यहाँ पर कैसे आ गए। तभी मांजिनबू कहता है तुम गोकू हो ना, तुम कहाँ से आए हो, चुपके से वार कर खुद को समझदार समझ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। जहाँ पर मैंने तुम्हारे दोस्तों को सोख कर उनकी शक्तियाँ हासिल कर ली है, और मैं तुम्हारे साथ भी वही करूँगा। गोकू हंसता है और कहता है कि मेरे पास जो है वो आज तक तुम्हारे किए गए सारे पापों की सजा देगा। मांजिनबू कहता है क्या मुझे फिर से खुद को साबित करना होगा। वो पलटता है और उधर जो बॉडी पड़ी थी टियान के पीछे, वो उठकर सीधा ही टियान को लात मार देती है। जहाँ पर गोकू कहता है ये सरासर गलत है, जो कि अपनी आधी बॉडी को उठाता है और ज्वाइंट कर पूरा हो जाता है। देखा ना गोकू एक किक में तुम्हारे दोस्त की क्या हालत हुई, तो अब सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। क्या भाषण दे रहे थे, मुझे माफ करना मैं बीच में ही बोल पड़ा, क्या भाषण दे रहे थे तुम जुर्म और पनिशमेंट के बारे में, पर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। गोकू हंसता है और कहता है कि तुमने अपने बॉडी को जुड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाई, घबराए हुए हो। मांजिनबू हंसता है और कहता है तुम्हें धोखा हुआ है, और मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें पता है, जहाँ मैं तैयार हूँ। गोकू कहता है क्यों नहीं, और वो इयररिंग फेंक देता है गोहान के पास, लो पकड़ो, लेकिन गोहान पकड़ नहीं पाता और वो कहीं तो पत्थर में जाके छुप जाती है। जाओ गोहान जल्दी उसे ढूंढो, फिर उसको राइट वाले कान में पहनना, फिर हमारे शरीर जुड़ जाएंगे और हम मांजिनबू को खत्म कर देंगे। जहाँ मांजिनबू कहता है अब तुम और करना चाहते हो तुम्हारा वो फ्यूजन, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि हाल ही में मैंने किस तरह की ताकत अचीव की है, मैं तुम दोनों को कुचल सकता हूँ। गोकू कहता है ठहरो रुक जाओ, टाइम आउट, तुम मुझे एक मिनट दे सकते हो प्लीज। तभी ओल्काया कहते हैं क्या कर रहे हैं ये बेवकूफ। तभी मांजिनबू कहता है टाइम पूरा हुआ। गोकू कहता है ठीक है। गोकू सुपर सैयन बन के उसका वार डॉच कर देता है और गोहान को कहता है जल्दी उसे पहनो, गोहान को वो अब तक नहीं मिली है। जहाँ गोकू नीचे आता है तो मांजिनबू उसे फिर से मारने के लिए पहुंचता है, जहाँ गोकू खुद को बचाता है, लेकिन मांजिन
रेनबो सीधा ही एक ब्लास्ट कर देता है गोहान की तरफ, जिस वजह से वो इयर रिंग जो है वो उड़ के और कहीं पर चली जाती है। और गोकू इधर अपने दोनों हाथों से ब्लास्ट कर देता है। अब गोकू रुकता नहीं, कंटिन्यू उसके ऊपर ब्लास्ट फेंक रहा है, जिससे बचकर आता है मांजिनबू और कहता है अब मेरी बारी है। इधर गोकू और मांजिनबू कंटिन्यू लड़े जा रहे हैं। इधर गोहान कंटिन्यू उस रिंग को ढूंढ रहा है। इधर मांजिनबू गोकू को मारने के लिए ऊपर से नीचे आता है, लेकिन वो जैसे ही मारने वाला होता है तभी वो कहता है अभी नहीं, क्योंकि अभी वो नॉर्मल हो रहा है। और गोकू को पता चल गया है कि जो गोटन्स थे वो नॉर्मल हो चुके हैं, उनका फ्यूज खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अब पिकलो ही बचा हुआ है। गोकू जाता है और कहता है कि वक्त निकल चुका है बू, वक्त तुम्हारे साथ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता अब तुम जीत पाओगे। इधर गोहान को फाइनली वो रिंग मिल जाती है। गोहान कहता है मैं तैयार हूँ डैड, पता नहीं इससे क्या होता है लेकिन मैं तैयार हूँ, राइट वाले कान में ना। गोकू कहता है नहीं नहीं गोहान, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, मांजिनबू अपनी एक तिहाई ताकत को खो चुका है अब। मांजिनबू कहता है कितने नादान हो तुम, तुम्हें क्या लगता है बू को हराना इतना आसान होगा। मांजिनबू कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ गोकू, लेकिन अफसोस तुम मुझे नहीं जानते। तभी हम देखते हैं वो कटी हुई जो पूंछ थी अब वो गोहान के पीछे लगी हुई है, जहाँ मांजिनबू कहता है ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, मेरा एक अंश गायब है। अब गोकू हैरान है, अब वो गोहान की तरफ देखता है तो गोहान के पीछे से वो जो पूंछ थी वो बड़ी होकर गोहान को लपेट लेती है और सीधा ही चिपका देती है मांजिनबू को, जहाँ गोकू कहता है ओ नो देर हो गई। अब गोकू वो इयर रिंग उठा लेता है जो कि गोहान के हाथ से छूट गई थी। गोकू इधर कहता है वो शैतान, और सुप्रीम गाय और ओल्ड गाय कहते हैं अब क्या करे, अब तो बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीम गाय कहते हैं प्लीज उनकी मदद कीजिए, ओल्ड गाय कहते हैं जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। जहाँ पर मांजिनबू इधर हंसता है और कहता है कि क्या बात है, मैं पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, अब मेरे रास्ते में आप ही काटा हो, है ना डैड। अब गोकू इयर रिंग को देखता है और कहता है मुझे इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, मेरे पास मौका था लेकिन वो मैंने गवा दिया। गोकू कहता है लगता है मुझे किसी और के साथ फ्यूज होना पड़ेगा। जहाँ वो पीछे देखता है तो पीछे टियान भी बेहोश पड़ा हुआ है। जहाँ पर इधर उधर देखता है गोकू और कहता है कि भाई डेंडे के साथ तो पॉसिबल नहीं है, अब तो सिर्फ मिस्टर सेटन ही बचे हुए हैं। अब हम देखते हैं किंग यमा की जगह पर, जहाँ बाबा और वेजिटा उड़कर आ रहे हैं, जहाँ मांजिनबू ने सोख लिया है गोहान को, जिस वजह से उसकी ताकत और कई गुना बढ़ चुकी है। और गोकू की जो योजना थी गोहान से मर्ज होने की, फ्यूज होने की, वो भी अभी धरी की धरी रह गई है। तो अब क्या करेगा गोकू और मांजिनबू को कैसे हराएगा, जानने के लिए हमें देखना होगा ड्रैगन बॉल जी का अगला एपिसोड। और तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।